दोस्तों, शादी का समारोह चल रहा है, शाम को बारात है। काला नाग बैठ गया, आकर देखता हूँ कैसा है और कोशिश करें तो पकड़ेगा उसकी प्राकृतिक छोड़ने की। धर्मपत्नी जी भी साथ में आज घंटा से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। पता यार सोफा कैसे चल रही है जी भैया? अरे इधर कर रहे हैं ओके। तो पता नहीं कितना जाएगी तो पीछे जा रहा है वो सीढ़ी लेकर आई हरे वाली रास्ता में तनो पहले ये लो। साथियों ये देखिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए शादी के प्रोग्राम में, इसीलिए ये यहाँ पर आकर बैठ गया। वो लाओ सीढ़ी, लाओ सीढ़ी। अरे वो सीढ़ी लेकर आ, मैं दे दूँ। क्या सीढ़ी? सीढ़ी तो हरी सीढ़ी लेकर आ। वही लो ना, लो रवि, वहाँ देख, वहाँ देख, अलग से बनाओ काट के द्वारा। आगे लगा रहे से और आगे कर, छोड़ के भागे तुम। ये चोट किसने मारी? अरे किसी ने नहीं छेड़ा है। छुटा लो से, एक चोट लग रही नाक नू में मारा रोल नहीं। किसके? हाँ यार अब तो देख लेंगे फायदा है यार इसे, क्योंकि अब तो पकड़ रखा, अब कहीं जानेगा नहीं। ओहो चोट लग रही होगी बेचारे के इसके भी यार, है ना? चील करने मारा हुआ है, चील चाल लगी ऊपर। तार में फंसा, मांस में तार फंस रखा है, मुझे लग रहा है अंदर आर पार हो गया। ना ना उसमें फंसा हुआ वेंकर। ओहो इसका मुंह खराब हो रखा है यार, है ना? निकलने को कर होगा, तार तो लग गई होगी निकलने के लिए। इसको पकड़ लिया गया, ये शादी में कोई कमी ना रह जाए उसके इन्फेक्शन के लिए, जैसे परिवार में बड़े बूढ़े फूफा मामा दादा को बैठा दिया जाता है कि कोई कमी ना रह जाए। ये कमी देखने आया था ये। हाँ वही मैं कह रहा था, बहुत देर तक खड़ा होकर देख रहा था। जिसकी परिवार की शादी है उनके बुजुर्ग ये शादी देखने आए थे, और उसके थोड़ी सी चोट भी लगी हुई है, परंतु खतरा नहीं है। इसको इसके
प्राकृतिक वास में छोड़ जाएगा। ये करीब 18 या 20 साल का सांप है भाई। खुल लो जी, खोलो खोलो। इसमें एक और तो नहीं बंद कर रखा? ना 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 ना, छोड़ गया। लो मैं कहीं एक और पकड़ के बंद कर रखा। डर आदमी होना है। ये दारू साथियों, ये नाग वेडिंग पॉइंट में ताजमहल शादी है शाम को, और सभी तैयारियों का ध्यान से दे रहा था। ये तार में फंसा हुआ था थोड़ा, मुझे आधा घंटे ज़्यादा लगा इसके पास पहुंचने में, परंतु मैंने इसको सुरक्षित पकड़ लिया। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये इसको कौए ने या किसी चीज़ ने इसके मुँह पर चोंच मारी हो, थोड़ा इसके घायल भी हो गया था। अब इसको इसके प्राकृतिक सुरक्षित छोड़ा जा रहा है। साथियों, ये वो अड्डे हैं जहाँ पे हम सांप छोड़ते हैं। देखिए कौन सी शराब पी के बैठे रहते हैं, यहाँ शराब पीते हैं, शराब पी जाती है। हम भी यहाँ पर सांप छोड़कर कोशिश करते हैं कि ये नशा मुक्त क्षेत्र बने, प्रकृति बची रहेगी तभी इंसान बच रहेगा। चला ना, कोशिश करेंगे ये भी सुरक्षित जाए बिना डराए धमकाए, क्योंकि ये काफ़ी देर से वहाँ फंसा हुआ था। अब इसकी प्रकृति जानती है ये कैसे जाएगा, खतरा धमका भी जाएगा या शांत में जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। बनाकर बैठा, काफ़ी उम्र का सांप है ये। ये देखिए किस तरह से बैठा हुआ, डर तो बहुत होता है परंतु एक निश्चित दूरी इसके साथ बना कर रखनी पड़ती है। थोड़ा डर खत्म हुआ हमारी धर्मपत्नी का। ये देखिए किस तरह से सांस ले रहा है ये। यही इसकी एक अदा है जो हमें करती है